हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया एक्वेडियम में स्वागत है। आज आपके लिए जेवन एलएल पर 2 की ऑफिशियल जानकारी लेकर के आ गया हूँ। फिर से दोबारा यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया काउंसलिंग को लेकर। अब 22 अक्टूबर से काउंसलिंग नहीं होगी। ये अपडेट अभी हाल ही में राजस्थान प्रसारण ने दिए। उन्होंने कहा है कि 22 अक्टूबर से नहीं होगी। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आने की वजह से उन्होंने साफ कहा है कि अब 22 से ना होकर के, उन्होंने परिणाम भी जारी कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है अब 24 अक्टूबर से होगी। कितने अक्टूबर से? 24 अक्टूबर से अब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। और जो भी जेवीएनएल के, आरयूपीएनएल के और आरयूपीएनएल की, तो परिणाम जारी हो गया है। उसके बाद बात करते हैं जेडीवीएनएल की, एवीएनएल की और जेवीएनएल की। तो इन तीनों की जगह के भी परिणाम जारी नहीं हुआ है। जैसे जैसे परिणाम जारी होगा सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल द्वारा मिल जाएगी आपको। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में उसके साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, वहाँ पर ऑल लिखा होगा, ऑल वाले को क्लिक कीजिएगा, तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने जानकारी नहीं दी, वह तो वह दोस्तों आपके लिए अलग से बात नहीं बोलूँगा फिर मैं, ठीक है। आपका आप ध्यान से सुन लीजिएगा, 22 अक्टूबर से नहीं होगी, 24 अक्टूबर से होगी आप काउंसलिंग। बड़ी अपडेट आ गई है। चलिए मैं ट्विटर हैंडल में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर स्टडी आई अकेडमी ट्विटर हैंडल देख रहे होंगे, यहाँ पर ही पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कभी भी कोई भी जानकारी लेनी रहती है तो यहाँ पर देख लीजिए। ये भी हाल ही में हेल्पर सेकंड की काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव, अब 22 के बजाय 24 अक्टूबर से होगी काउंसलिंग। 2506 पदों पर नियुक्ति के लिए तो शुरू होगी काउंसलिंग। जयपुर डिस्कॉम के मुख्य कार्मिक अधिकारी राकेश शर्मा जी ने यहाँ पर जानकारी दी है। सीपीओ ने उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है कि आप यहाँ पर 2506 पदों की जो नियुक्ति होनी है, यानी कि आपका जो होना है काउंसलिंग, वो कब से होगी? 24 अक्टूबर से। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बधाई हो मेरी तरफ से एक बार फिर से। तो सभी विद्यार्थियों ने अभी तक इसे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से स्टडी आई अकेडमी ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आपका जैसे ही परिणाम और भी जारी होंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी जो जारी हुआ है आपका आरयूपीएनएल का, ठीक है, इसका मैंने आपको जानकारी बता दी है। और जैसे जैसे परिणाम जारी होते जाएंगे आपको और भी अपडेट मिलती जाएगी। हमारे द्वारा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो कि आपको अधूरी रखी जाए। तो आपको मैंने जो जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, ये अपडेट आप ज़रूर बताइएगा मुझे एक बार कमेंट करके। धन्यवाद मित्रों।